अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो कल का व्लॉग मैं बना नहीं सका, कुछ थोड़ा मसरूफ़ था, इस वजह से मसरूफियात बहुत थी कल, और कल मैं सो भी गया था, थकन बहुत हो गई थी कल मुझे, इस वजह से मैं सो गया था। कल का व्लॉग इस वजह से बना नहीं सका मैं। तो मैंने सोचा अभी मैं आया हूँ जॉब से, तो मैंने बोला चलो पहले व्लॉग बना लिया जाए, उसके बाद फिर खाना वगैरह खाएँगे, क्योंकि अभी खाना मैंने खाया नहीं है। अभी मैंने जाना है शेप बनवाने और अपनी खदमत बनवाऊँ ज़रा जाके मैं। और अम्मी ने आज खाने में पता नहीं क्या बनाया है, अभी चेक करते हैं। और रायमा मैडम मेरे साथ ही बैठी हुई हैं, रायमा मैडम स्कूल गई थी शायद मेरा ख्याल से, या आ गई हैं। रायमा मैडम स्कूल गई थी आप? यस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। कैसा आप सभी लोग, क्या कर रहे हैं। और मेरा रिजल्ट कल आ रहा था, लेकिन मैं जब गई थी सर ने बोल दिया कि कल मैसेज आया था, लेकिन वो मम्मा के पास नहीं आया था। तो फिर हम लोग दोबारा घर पर आ गए थे, आज दोबारा से मैसेज आ गया कि आज नहीं आना। फिर देखते हैं कब रिजल्ट आता है। आप लोग मेरे रिजल्ट के लिए दुआ करिएगा कि मैं फर्स्ट पोजीशन में आऊँ। अच्छा, तो रायमा ने अपनी पूरी कहानी सुना दी, पूरी कहानी अलिफ से लेके ये तक रायमा ने सुना दी अपनी कहानी। तो आप रायमा की कहानी पे ज़रा गौर करिएगा, इन्होंने क्या क्या कहा है। और ये बैठे हुए हैं उमेर। उमेर सो के उठ गए थे, तुम कब सो के उठे? जब आप गए थे। जब मैं गया हुआ था, मैं तो सुबह 6:30 बजे गया हूँ। सुबह 6:30 बजे उठ गए थे तुम, क्या कर रहे थे 6:30 बजे उठ के? और रेहान भाई स्कूल गए थे नहीं गए थे आज? आ गए रहन भाई। और तुम्हारा रिजल्ट आज आना था ना, तुम कह रही थी ना चाचू कल आएगा मेरा रिजल्ट, आज नहीं आया रिजल्ट? नहीं मम्मी, रोज ढूंढते हैं रिजल्ट, ऐसे ऐसे मेरे कमरे में तो फिर नहीं आया। देखते हैं कल आता है या नहीं। कल आता कल है, कल तो बल्कि मेरी छुट्टी है, परसों आता है। कल परसों छुट्टी है। और दादी ने खाना क्या बनाया पता है तुम्हें कुछ? नहीं मुझे क्यों नहीं पता, तुम घर में नहीं थी क्या? मैं घर में थी। मैं देखता हूँ खाना क्या बनाया है, आ जाओ खाना देखेंगे दादी ने क्या बनाया। चलो दिखाओ मुझे क्या क्या बनाया है दादी ने, आप दिखाओ ना क्या क्या बनाया है दादी ने। ये तो मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्या है ये, क्या है बताओ, मुझे तो पता है, आप बताओ क्या है। सालन। सालन नहीं है, ये है दाल, माश की दाल। और क्या बनाया है दादी ने? चावल बनाया है दादी ने। ये चावल है और ये लिखाओ क्या है ये? ये तो वो है कीमा। कीमा, ये तो कल वाला कीमा है ना, मैंने भी नाश्ते में खाया था। तुम स्कूल नहीं गई थी आज? गई थी नहीं नहीं मैंने नहीं गई थी। तुम्हें पता नहीं तुम स्कूल गई थी या नहीं गई थी? मैं नहीं गई थी। तुम एकदम पागल हो, पागल कौन हो तुम? नहीं पागल। और यार ये खेल रहा, यहाँ पर सब खेल रहे हैं और रान भाई बोल रहे हैं कि बॉल करवा दे मुझे, लेकिन मैंने मना कर दिया, उन्हें बोल दिया मैं सर जाचू के साथ ब्लॉग बनवा रही हूं। हां ब्लॉग बनवा रही है रियामा आज मेरे साथ। तो मैं अब जा रहा हूं अपनी खत बनवाने, फिर उसके बाद आके आपसे मुलाकात करते हैं, आपसे बाकी बातें करते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ रायमा, सही है आप मेरा वेट करना, सही है।
गाइस अभी मैं हूँ 8 नंबर की तरफ, बाहर की तरफ आया हूँ कुछ काम से। आज धूप निकली हुई है, बड़ा ही प्यारा मौसम हो रहा है। आज भी धूप बहुत अच्छी लग रही है आज। तो अभी हम घर चलते हैं, हम जो काम से आए थे वो काम हमारा हो चुका है। अभी मैं चलता हूँ घर, आपसे फिर घर जाके बात होगी। और इंशाल्लाह रात में भी मेरा जाना है कहीं काम से, तो बाकी बातें इंशाल्लाह रात में होंगी आपको। तो व्यूअर्स, मैं आ चुका हूँ बाहर से, जो मेरा काम था वो काम मैंने कर लिया है। और एक आध चीज़ मैंने अपने लिए लेनी थी, तो मैंने अपने लिए लिया है शू शाइनर, क्योंकि शाइनर मेरे पास था वो ख़राब हो चुका था, मैं इसलिए दूसरा लेके आया हूँ। और शाम में मुझे जाना भी है दावत में, दोस्त की मेरे शादी है तो वहाँ मैंने जाना है। और इंशाल्लाह वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा कि ब्लॉग बना सकूँ, लेकिन वो ब्लॉग जो है मैं रात में नहीं अपलोड करूँगा, वह इंशाल्लाह आप कल के ब्लॉग में देखेंगे। और अभी हो चुका है चाय का टाइम, तो चाय हमारी आ चुकी है, क्योंकि टाइम हो चुका है चाय का। आज चाय जल्दी बन गई हमारे घर में, क्योंकि हमारे यहाँ चाय का कोई टाइम नहीं होता। शाम में किसी वक्त ही बन जाती, कभी बनती है 8 बजे तो कभी जल्दी बन जाती है, लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो इस वजह से जल्दी बन रही है। वरना गर्मियों में अमूमन जो है हमारे यहाँ चाय तकरीबन 8-8:30 बजे तक शाम की चाय हम लोगों को मिलती है। तो आपसे लूँगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने सभी भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।